सच ज़रूरी है। नमस्कार दर्शकों न्यूज़ आप देख रहे हैं न्यूज़ मैं आपके साथ शुभांगी, तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें मन की बात सुनते ही निकली मन की भड़ास तोड़ने लगे रेडियो लगे पीएम विरोधी नारे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की यह उनके इस कार्यक्रम की 102वीं कड़ी थी पी मोदी हर महीने के तीसरे सप्ताह में इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें वर्चुअली सामने रखते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवाती तूफान बिपर जगन्नाथ यात्रा शिवाजी की जयंती टीबी मुक्त भारत और जल व प्रकृति संरक्षण जैसे विषयों पर अपनी बातें देशवासियों के सामने रखी पीएम के मन की बात को हर बार की तरह से देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सुनाया गया भाजपा ने इस कार्यक्रम के लिए विशेष प्रबंधन भी कर रखे थे वहीं दूसरी तरफ हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में मन की बात को लेकर लोगों की अलग ही प्रतिक्रिया देखने को मिली यहाँ से सामने आए एक वीडियो देखा जा सकता है कि इस कार्यक्रम को लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और अपने रेडियो भी तोड़ दिए हालांकि वीडियो किस जगह की है यह साफ नहीं है मैसिव मन की बात इन इन मणिपुर लेकिन साफ देखा जा सकता है कि लोग अपना गुस्सा जाहिर कर सकते नजर आ रहे हैं इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल है जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रही है यह वीडियो वरिष्ठ अधिवक्ता और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है उन्होंने लिखा है मणिपुर के लोगों ने मोदी को मन की बात का स्वाद चखा दिया आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर वाइन शॉप में मारपीट का वीडियो वायरल पैसे की लेन को लेकर हुआ विवाद नोएडा की वाइन शॉप में मारपीट का मामला सामने आया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वाइन शॉप के कुछ कर्मचारी शराब लेने आए थे और वे खरीदार के साथ मारपीट करने लगे वायरल वीडियो का ज्ञात लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है इस मामले में पुलिस ने वाइन शॉप के दो कर्मचारी को गिरफ्तार किया है यह मामला कोतवाली उन का है शनिवार देर रात थाना सेक्टर उन क्षेत्र के सेक्टर शराब की दुकान में पैसे के लेन देन को लेकर कर्मचारी और युवक के बीच विवाद हुआ वाइन शॉप के कर्मचारी ने युवक को पीट दिया वीडियो होने के पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है पकड़े गए आरोपियों का नाम भीम राघोर सुबेदार पटेल है आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर शादी में डांस करते वक्त अचानक आया हार्ट अटैक इन दिनों हार्ट अटैक के ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जिसमें खुशी से नाच रहा व्यक्ति अचानक से जमीन पर गिर पड़ता है और फिर उसकी मौत हो जाती है आपने सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम वीडियोस देखी होगी अब इंटरनेट पर ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको सब ने हैरान करके रख दिया है वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स शादी में पूरे उत्साह के साथ डांस कर रहा है कुछ देर बाद डांस करते करते वो जमीन पर गिर पड़ता है और फिर उसमें कोई हरकत नहीं होती यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि शख्स के गिरने के बाद कोई भी उसकी मदद के लिए तुरंत आगे नहीं बढ़ता जमीन पर पड़े शख्स को नजरअंदाज करके लोग अपना डांस करना जारी रखते हैं डांस के दौरान आया हार्ट अटैक जानकारी के मुताबिक डांस के दौरान शख्स को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है यह घटना उत्तर प्रदेश के एटा जिले की बताई जा रही है मरने वाले शख्स का नाम श्रीकृष्ण था जिसकी उम्र महज 20 साल थी और ये एटा जिले के रामपुर का रहने वाला था श्रीकृष्ण शनिवार रात को एक शादी अटेंड करने के लिए शाहजापुर गाँव गया था वही डांस के दौरान उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही मौत मौत हो गई की मौत का पता लोगों को तब चला जब वो बहुत देर तक जमीन पर ही पड़ा रहा लोगों को लगा कि शायद वो डांस करके थक गया होगा इसलिए जमीन पर लेट गया जबकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत हो चुकी है अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एम एस न्यूज ट्री एस डाउनलोड करें इंस्टा लिख ट्विटर हाइकूक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं डब्ल्यू पर फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है एमएस न्यूज ट्री पर नमस्कार